नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CRDI का मीनिंग क्या होता है, उसके फायदे कौन से हैं, CRDI का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है और CRDI काम कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो CRDI का मीनिंग होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, और नाम के मुताबिक ही इस सिस्टम में डीजल को हाई प्रेशर से कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं फायदे की। तो ज़्यादा पावर और माइलेज के लिए नॉर्मली CRDI सिस्टम का यूज़ होता है। अब CRDI सिस्टम के कारण इंजन में हाई प्रेशर डीजल को इंजेक्ट करवाया जाएगा, जिसके कारण फ्यूल इकोनॉमी और पावर आउटपुट दोनों के अंदर ही बढ़ावा मिलेगा। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो फ्यूल टैंक के साथ एक लो प्रेशर फ्यूल पंप जुड़ा होगा और फिर लगा होगा फ्यूल फिल्टर। अब फ्यूल फिल्टर से फ्यूल लाइन जाएगी सीधी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में, और फिर आएगा हाई प्रेशर फ्यूल पंप, फिर लगा होगा एक फ्यूल प्रेशर सेंसर, और फ्यूल लाइन जाएगी सीधी फ्यूल रेल में, जो कि एक मेटल की ट्यूब होगी। अब फ्यूल रेल से सभी फ्यूल इंजेक्टर को हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई दी जाएगी। अब फ्यूल रेल के दूसरे सिरे के ऊपर एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होगा, जिसमें से एक फ्यूल रिटर्न लाइन दी जाएगी वापस फ्यूल टैंक में। अब बात करते हैं सेंसर्स की। तो सबसे पहला है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो कि थ्रोटल वाल्व के साथ कनेक्टेड होगा। फिर आएगा मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जो कि इंटेक मैनिफोल्ड में लगाया गया होगा। उसके बाद होगा ऑक्सीजन सेंसर, जो कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगाया गया होगा। उसके बाद आएगा एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। अब लास्ट में होगा एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, जो कि फ्यूल गेज के साथ फ्यूल टैंक में ही लगाया गया होगा। अब इन पांचों सेंसर और फ्यूल प्रेशर सेंसर, यानी कि 6 सेंसर कनेक्ट होंगे एक इंजन मैनेजमेंट यूनिट से, जो कि सभी इंजेक्टर्स और प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के साथ कनेक्ट होगा और उन्हें कंट्रोल भी करेगा। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो पहले सेंसर से स्टार्ट करते हैं। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर, एक्सेलरेटर देने पर थ्रोटल वाल्व की पोजीशन सेंस करके सिग्नल देगा EMU को, ताकि इंजन मैनेजमेंट यूनिट को पता चलेगा कि ड्राइवर ने कितना एक्सेलरेटर दिया है। अब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर सेंस करेगा कि कितनी एयर इंटेक मैनिफोल्ड में जा रही है, और उसका सिग्नल EMU को देगा। अब ऑक्सीजन सेंसर इंजन एग्जॉस्ट में कितना ऑक्सीजन इंजन से बाहर जा रहा है वो सेंस कर लेगा, और उसके मुताबिक उसका डेटा EMU को सप्लाई करेगा, जिसके ऊपर से EMU डिसाइड कर पाएगा कि इंजन के अंदर रीच मिक्सचर इंजेक्ट करना है या फिर लीन मिक्सचर। अब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंकशाफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा इंजन मैनेजमेंट यूनिट को, और लास्ट में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा कि फ्यूल टैंक में फ्यूल का टेम्परेचर कितना है, और उसके मुताबिक सिग्नल भेजेगा इंजन मैनेजमेंट यूनिट को। अब फ्यूल प्रेशर सेंसर सिस्टम के अंदर का फ्यूल जो है उसका प्रेशर सेंस करेगा, और उसके मुताबिक कंटिन्यूस डेटा अपडेट करता रहेगा इंजन मैनेजमेंट यूनिट को। फ्यूल टैंक में से लो प्रेशर फ्यूल पंप फ्यूल को भेज देगा फ्यूल फिल्टर में, और वहां से फिल्टर होके फ्यूल सीधा जाएगा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में। अब सेंसर के डेटा के मुताबिक EMU फ्यूल को पास करेगा हाई प्रेशर फ्यूल पंप की ओर, और हाई प्रेशर फ्यूल पंप फ्यूल को हाईली प्रेशराइज करेगा और भेज देगा प्रेशर सेंसर के थ्रू फ्यूल रेल में, जहां फ्यूल का प्रेशर मेंटेन करने का काम करेगा प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो प्रेशर बढ़ने के कारण फ्यूल को बाईपास लाइन की मदद से वापस फ्यूल टैंक में भेज देगा, और इसी के कारण सभी इंजेक्टर और फ्यूल रेल के अंदर कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा। अब सेंसर्स के डेटा की मदद से इंजेक्टर स्पेसिफिक सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, जिसके कारण इंजन के पंपिंग लॉस कम हो जाएंगे और इंजन की एफिशिएंसी और पावर आउटपुट के अंदर बढ़ावा मिलेगा। अगर CRDI की बात की जाए तो हर एक मैन्युफैक्चरर उसे अलग ही नाम देता है, और CRDI की पैटर्न रजिस्टर कराने के लिए कंपनी उसमें थोड़े बहुत बदलाव करती है। तो ये जो सर्किट दिखाई गई है वो जनरल फिनोमेना के ऊपर बनाई गई सर्किट है, और हर एक मैन्युफैक्चरर के ऊपर ये सर्किट में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।